हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ब्लैक करंट क्रश या जैम की रेसिपी, जिसे बनाकर आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। केवल दो चीज़ों से मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो ऐसे टेस्टी यम्मी ब्लैक करंट क्रश के लिए मैंने लिया है काले अंगूर। ये अराउंड 300 ग्राम है, बट इसको कैसे मेजरिंग करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने इनको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब मैं इनको डाल रही हूँ ग्राइंडिंग जार में, डालकर इसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। ये जैम आप आइसक्रीम्स में यूज़ कर सकते हो, शेक बना सकते हो, ब्रेड रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे भी यूज़ करोगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब ये रेडी है। इसको मैं डाल रही हूँ एक पैन में। अभी मैंने एक यहाँ पे मेजरिंग कप लिया है। मैं एक कप ग्रेप्स का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट ले रही हूँ, लेकर इसको मैं डाल रही हूँ पैन में। अब इसी कप से आपको 1/4, यहाँ पे मैं 1/4 यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो हाफ कप भी शुगर ले सकते हो, बट मैं 1/4 ले रही हूँ। ये 1/4 कप शुगर है डालकर अभी मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसको रखूँगी गैस के ऊपर, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाऊँगी। इस जैम में मैं ना तो किसी पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रही हूँ, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कर रही हूँ। इसे हम लोग सिंपल ग्रेप्स और शुगर के साथ बना रहे हैं। अभी मैंने इसमें डाला है फूड कलर। फूड कलर डालने से ये लुक वाइज बहुत अच्छा दिखता है। जैसे हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ब्लैक करंट क्रश, वैसे दिखता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर पानी गिरेगा तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसे मार्केट से ख़रीदने की बजाय आप घर में, अगर आपके पास फ्रूट्स है, तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पक पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अगर आप इसे आइसक्रीम में या केक में यूज़ कर रहे हैं और तुरंत यूज़ करना है, तो इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको स्टोर करना है काफ़ी दिनों के लिए, तो आप इसे और थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना। तो इसे मैं स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा और पका रही हूँ। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करते हुए प्लेट टेस्ट होते तक मैं पकाऊंगी। प्लेट टेस्ट मीन्स इसे हम लोग प्लेट के ऊपर डाल के देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ये हुआ कि नहीं। अब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। अभी मैं थोड़ा सा एक प्लेट के ऊपर डालूंगी, उसके बाद मैं चेक करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा जैम ली हूँ, इसको प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ। एक दो सेकंड हम लोग रुक जाएंगे, उसके बाद इस तरीके से प्लेट करना। अगर ये स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा जैम बन के रेडी है। आप चाहो तो इसमें आधा नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रख के 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, और फ्रिज के बाहर रखकर इसे अराउंड 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, केवल अंगूर और शक्कर से ही इसे बनाना है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।